हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेकंड ईद डे टू, मतलब ईद डे टू है, सेकंड ईद है आज। तो आज मैंने इनको, कल भी कबूतर खोले थे वैसे, लेकिन आज खोले हैं। आज अभी भी अचानक मौसम चेंज हो गया, दोपहर में थोड़ा बहुत बेग क्या दे दिया चाचू ने मेरे, तो ये कितना सारा भूसा रख दिया बना। क्योंकि चाचू भी छुट्टियाँ, तो चाचू देख रहे होते हैं आजकल, क्या कर सकते हैं, मैं अकेला तो लगा नहीं रह सकता ना इधर ना। चाची वाचू भी देख लेते हैं मेरे, एक ही चाचू मतलब छोटे चाचू हैं, वही देख लेते हैं। वैसे तो मेरे अब्बू को मिला के पाँच थे, पाँच में से दो, जैसे ये पता है आप लोगों, दो का इंतकाल हो चुका है, मेरे ताया और मेरे बाबा फल साहब को ताया का इंतकाल हो चुका है। तो उसके बाद जितने भी अब छोटे रह गए, तो उसमें से एक चाचू कल थे देख रहे थे, एक चाचू आज देख रहे थे। कल मैंने वीडियो डालनी थी लेकिन थकान की वजह से सो गया था मैं, थोड़ी बहुत तबीयत वबीयत भी मतलब नासाज हो गई थी, क्योंकि कल टिक्का बोटी की दावत थी। लाइटिंग शाइटिंग करने के बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक जाके फिर मेरा दिल ने बोला नहीं, आज मैंने इनको उड़ाया बड़े टाइम बाद। इन मनुष उड़ नहीं रहे थे, ये तकरीबन हो गए ये तीन से चार महीने हो गए अब ये खुलते हैं। भाई साहब को तो चार महीने से ज़्यादा हो गए इंतकाल हुए, अरे ये खुलते हैं और बंद होते हैं, बस फिरते रहेंगे और बंद हो जाएंगे शाम के वक्त। अभी खोला हुआ था अभी दोपहर से इनको, अभी मैंने लगा यार उड़ाऊँ, देखें एक चक्कर लगाया और बैठ गया। इस तरीके से मनुष्यत हो रही है इनके साथ, उड़ नहीं पाते ये, मतलब भारी इतने हो गए, अंदर ही दाना पानी मिल जाता है, बाहर आते हैं घूमते फिरते हैं वापसी अंदर, ये हिसाब किताब है। तो मैंने अब ये करना है कि रूटीन बनानी पड़ेगी इनकी डाइट की, डाइट रूटीन बनाना पड़ेगी, क्योंकि आने वाले वक्तों में खुलना भी मुश्किल हो जाएगा इनका। तो बन रह के ये दाना पानी इनका बन रह के वो तो होगा। हाँ, ये तीनों मुर्गियाँ और ये बत्तखें ये खुलेंगी बस, खरगोश भी मुश्किल है खुल सकें। और खरगोश के लिए भी जगह इसको तैयार करना है, खरगोशों के लिए जो पिंजरा बनाया है, क्योंकि टाइम मिले तो मैं करूँ। ऐसा कर सोच रहा हूँ कि इसको डक्का बना लूँ बत्तखों का, इसके आगे ही ऐसा एक और खूटा बनाऊँ छोटा सा वो मुर्गियों का, इस तरीके से सोच रहा हूँ, या फिर ऊपर मुर्गियाँ नीचे बत्तख, इस तरीके से मैं चाह रहा हूँ। क्योंकि ये पिंजरा मैं तैयार करके इसमें फिंचों का सेटअप डालना चाह रहा हूँ, लेकिन फिंचे भी अभी कम करनी है, सिर्फ एक जोड़ा रखना है जो काम का है, बाकी सारे तो नाकारा जोड़े हैं मेरे, अंडर साइज़ का भी जोड़ा बेकार है। और वो भी अभी ये है कि सेल आउट भी बहुत सी चीज़ें करेंगे अभी आने वाले वक्तों में। ऑस्ट्रेलियन की कॉलोनी बनानी है, ये जिसमें फार्मिंग हो रहा कर रहा था मैं, उस जगह ऑस्ट्रेलियन की कॉलोनी बन जाएगी। ऐसे छोटे मोटे रीज़न है, ये जोड़ा नहीं लग के दे रहा, लेकिन नर दूसरे नर के पीछे भाग रहा है, मादी दूसरी नरों के पीछे भाग रही होती है। ये जोड़ा लग जाए तो बड़ा खूबसूरत बच्चे निकलें, अल्लाह ने चाह तो लग जाएगा। जो देखें ये मुर्गा दोस्त का मुर्गा है, क्रॉस होती है, तीन मुर्गियाँ, कोई मसला नहीं है। तो इस वजह से ना मैंने अभी सुरखाब भी लाने हैं, जैसे को आप लोगों को पता है वो कैंसिल किस वजह से हुए थे, सुरखाब वो मोर के बच्चे कैंसिल इस वजह से भी हुए थे। एक वजह ये भी थी मेन चीज़ गर्मी, और दूसरी वजह थी कि ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कुछ टाइम पहले इमरान खान को वो पकड़ लिया था, तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी। अब तो माशाल्लाह ट्रांसपोर्ट सही हो गई है, वो दस ताल जो भी होता है भगा दिया उसे, तो इस वजह से। बाकी कराची के हालात ऐसे हैं, ये देख सकते हैं, गुनगुन हो रहा है, आलाइशें जहाँ मैं कचरा फेंकता था वहाँ पर आलाइशें हैं, पोटे गर्दन है, वो देखे रोड पे। ये पोटा पीलापन नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये पोटे हैं, ये पोटा गिरा हुआ है, ये रोडों पे पोटे ही पोटे हो रहे हैं, मेन रोड पे फेंके हुए, दूसरी गाड़ी चली जाती है। भाई अभी भी गायें आ रही हैं, भाई आज लाएंगे कल काट देंगे, बस ये हिसाब किताब होगा।
अभी देखते हैं, अभी अगले महीने में तुम भी लाऊंगा क्योंकि सुनसान पड़ गई है छत। ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करवाना है दुम्बी को, अगले ही महीने दुम्बी लेकर आऊँगा मैं, क्योंकि दुम्बा या दुम्बी लेकर आ जाएंगे अगले महीने का, अब नहीं रह जाता इन चीज़ के बगैर। अब नहीं रह जाता ऐसी चीज़ों के बगैर भाई। दुम्बी इतनी खूबसूरत थी, पास बैठी रहती थी, एक सिटी लेके जानी है, टब अपना ये जाएगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत सी नई चीज़ें आने वाली हैं और आएंगी इंशाल्लाह, बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगा। इस बार फुल मूड बनाया हुआ है क्योंकि पैसा लगा सकता हूँ मैं, मूड नहीं बन मतलब जगह नहीं होती, इस बार जगह के साथ मूड भी बना, पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है, तो अब बनेगी जगह भी और मूड भी। एक कुर्सी सीढ़ी उठाई है मैंने, उसको अपनी तरफ लेके जाऊँ, तो अपनी चीज़ें मैं कहीं और रखी भी हो तो लोग हक जमाने शुरू हो जाते हैं चीज़ों पर। इधर लगाऊंगा क्योंकि ये लाइट उतारनी है, अभी तो नहीं, तीन चार दिन बाद ही उतारूंगा मैं। ताजने कबूतर वापसी आने शुरू हो गए, पेटी भी अपनी है कहाँ रखना है। दूसरी और तीसरी ईद ये कंबाइंड बन रही है, मतलब कि 8:30 से आज और कल की वीडियो कंबाइंड है, क्योंकि कल थोड़ा बहुत मैं जैसे कि आप लोगों को पहले बताया मैंने मोबाइल का मसला है मेरे, अभी वो ऑफ़ हो जाए तो ऑन नहीं होता, ऑन हो जाए तो मुश्किल से ऑन होता है, बटन का मसला हो गया, तो मैंने कल ऐसी हुआ था कि अचानक बंद हो गया, फिर मुश्किल से खुला तो अंधेरा हो गया, जब तक मैंने आगे वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि मोबाइल बंद हो गया है। आप देख सकते हैं अभी इनको खोले हुए तो तकरीबन आधा एक घंटा हो गया इनको खोले हुए, तो मैंने इनको ना बिरयानी डाली थी गोश्त वाली, मतलब कि बीफ गोश्त की बिरयानी थी, इनका भी आके कुर्बानी मेरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी हुई थी तो मैंने थोड़ा बहुत इनको भी गोश्त का मतलब गोश्त खिलाने तो नहीं चाहिए लेकिन चावल में जायका आ जाता है गोश्त का, तो मैंने लग खाने दो इनको। और बत्तखें देखें, कल तक मतलब कि जब कुछ दिन पहले तक ये भूखी बिलबिलाती नहीं, आज देखें इतना पड़ा हुआ है छत पे माशाल्लाह से, मुर्गियां देखें पीछे बैठी हुई हैं, पेट फुल है सबका, धना धन पेट फुल है। ये बच्चा देख रहे हैं बाप का पेट फुल है, नहीं कि इन बाप बच्चे को खिलाना सिखा रहा है, मिट्टी में मुंह मार के दिखा रहा है कि ऐसे खाना है बेटा ऐसे, देखिए आया मतलब बाप के पीछे लगा हुआ, बच्चा खुद खा तो रहा है लेकिन ढंग से नहीं खाता, तो बाप सिखा रहा है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ये भी बच्चा ऐसा हो जाएगा कि टनाटन खुद खाएगा खुद उड़ेगा, इतना जल्दी ऊपर जाए। दूसरा वाला भी इतना जल्दी नहीं ग्रोथ कर पा रहा और खा नहीं रहा ढंग से, आपको मैं वो भी दिखाता हूँ, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत निकला है बच्चा, मुझे गहनों गुमान भी नहीं था ऐसी चीज़ निकल आएगी, अल्लाह पाक ने पत्नी किस मतलब अल्लाह पाक ने उसको क्या बना के भेजा, माँ थी काली है भवरी जो जंगली होते हैं, बाप भूरा सा है लाल भूरा, वो बच्चा ना बाप पे गया ना माँ पे गया, तीनों का दो रंग आया, तीसरा पत्नी कहाँ से रंग पकड़ के ले आया, सफ़ेद काला भी है लाल भी है सफ़ेद भी है, अल्लाह पाक ने ऐसी कुदरत दिखाई है उस पट्ठे में, वो भी आपको दिखाता हूँ। थर्ड सेकेंड और थर्ड डे परिंदों के साथ गुजारी है, ना किसी के पास गया मैं, ना कहीं पे दावत अटेंड करी, अपनी दावत भी खुद अटेंड नहीं कर पाया, थोड़े बहुत मतलब के फुल थका हुआ इंता मैं, तकरीबन समझ लें फर्स्ट डे मेरा जो था वो सुबह जब से उठा हूँ मैं 6 बजे से, रात में 7 बजे मेरे बस हो गई थी दावत में, मैंने आग लगाई है यूनिटी में बारबेक्यू की, लाइटें वाइटें सब मैंने करी दी है,
किसी को नहीं बुलाया, खुद लाइटें करने के बाद आखिर में जब आग लगी है ना उसके बाद मेरी जवाब दे गई थी, जवाब दे गई थी मेरी हिम्मत, तो मैं जाके सो गया। घर वाले बड़े परेशान हैं, पत्नी क्या हो गया, बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या पता था उनको कितनी मेहनत करी है मैंने। और अभी तक आज कल भी पूरा दिन सोते रहा हूँ, शाम में जिस वक्त वीडियो बनाने उठा वो उठा बनाइए, फिर रात में वापसी आ गए, रात में खाना खाया वो सो गया। माशाल्लाह देखें ये इसका बच्चा निकल गया था, मुर्गी के नीचे रखा था अंडा, मुर्गी का अंडा रखा था वो निकल गया था, बच्चा चूज़ा निकल झिरी पीछे वाली झिरी से बाहर निकल गया। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कैसा रंग है, बाहर निकाल के दिखाते हैं इसको। एक मन्ना आ गया माशाल्लाह, ये देखें चांदना बन गया शक्ल से, ये चांदना पीछे नीचे काले पर ऊपर के लाल, इस तरफ के सफ़ेद, चांदना दोबास अबाबील, माशाल्लाह माशाल्लाह सब चीज़ें बन गई हैं ये। लेकिन रंग थोड़ा बहुत डिफरेंट आया मेरे पास, लेकिन माशाल्लाह आया। लेकिन अभी देखें साइज़ माशाल्लाह साइज़ भी बड़ा खूबसूरत है इसका। और इस बार फर्स्ट टाइम मेरे पास ऐसा हुआ है कि बच्चे मेरे पास बिल्कुल साफ़ सुथरे निकले, अभी तक एक भी दाना नहीं उठाए किसी भी पट्टे के। ये देखें ये हरामी, शाजी कराई अपना ख़त्म नहीं आता, और अल्लाह वाला करे दे, ये पट्टा ही बाहर निकाल दिया है, इसकी माँ ये खा रही है, बाप गायब है, बाप उड़ रहा होगा, नहीं नहीं अंदर है अंदर है, ये रहा बाप, बाप जो गया बुरा है, मतलब जो गया खेरे घाघरा खेरा है, ये गंडेदार बुरा हो गया था ये मुझसे। बच्चा देखें चांदना दो बास निकाला, घाघरा चांदना दो बास ऐसी बनेगा कुछ ना कुछ ये, लेकिन जो ही बनेगा अल्लाह पाक की कुदरत है, मैं कुछ बोल नहीं सकता इस कुदरत पे, सिर्फ की ज़ात है, उसने जैसा बना दिया वैसा है। इनकी आज दावत करवा दी बिरयानी से, और बकरी का ये सिस्टम बनाना है वापसी, जैसे पहले वेंस लगी थी ना आगे, उस तरीके से वेंस लगा के रात में इधर बंद होगी, दिन में उधर खोल दिया जाएगा, मतलब दस्सी डालने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने अब ये सोचा है। और इंशाल्लाह अगले महीने अगस्त जुलाई चल रहा है ना, अगस्त में दो दुम्बे और एक बकरी और लेकर आने का मेरा पक्का इरादा बना हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस इरादे को कामयाब करे, कामयाब करेगी, और मतलब इस इरादे को कामयाब करने की तौफीक अता करे। ठीक है, इसको भैंस बना के तरीके से बाड़ा बनाएंगे, इसके अंदर चार बकरी मतलब दो दुम्बे तीन बकरियाँ, इस बकरी से अभी लगवानी है मुझे बकरा, अगले महीने इसको भी लगा दूंगा, बच्ची भी लग जाएगी, बच्ची दो महीने बाद बच्ची लगानी है, तकरीबन रेडी टू ब्रीड मिलने वाली है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। ये देखें ये हफ्ता छोटा है इस भट्टे से, वो देखें दानों उठा रहा है देख सकते हैं, और ये पट्ठा भी कर रहा है। क्या यार रतोड़ी अंकल को दी भी है, चलें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा देगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़। इन दोनों का मैं सोच रहा हूँ नाम रखूँ, इन दोनों पट्ठों का, उसका नाम तो मैंने सोचा हुआ है ज़ोंबी, ज़ोंबी तो नहीं ज़ोंबी बोल रहा हूँ, इसका नाम नाम रखेंगे रामपरी, उसका नाम रखेंगे सोमपरी, ऐसी नाम मैंने सोचा हुआ है। लेकिन आप लोग भी सजेस्ट करिएगा कैसे नाम इन दोनों के, दोनों के नाम रख के इस बार अच्छे से अच्छा जोड़ा बनाएंगे नाम रख के। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।